नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 1 जून, दिन गुरुवार। आगे राजनीति से जुड़ी दिन भर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। स्मृति ईरानी ने नीतीश और राहुल समेत सभी विपक्षी दलों पर साधा निशाना। तेजस्वी ने बीते 17 सालों के डबल इंजन सरकार को बताया फेल। क्या एनडीए के साथ गठबंधन करेंगे मुकेश सहनी। पटना में विपक्षी पार्टियों की बैठक पर ममता बनर्जी ने कही ये बात। वैसे इस वजह से नहीं देंगे केजरीवाल को समर्थन। चलिए बढ़ते हैं देश और राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। पटना में विपक्षी पार्टियों की बैठक पर ममता बनर्जी ने कही ये बात। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विपक्षियों की 12 जून को पटना में होने वाली बैठक को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस बैठक का बड़ा असर हिंदी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। आगे उन्होंने कहा कि मैंने ही नीतीश कुमार को कहा था कि पटना में मीटिंग करिए, सबको आमंत्रित कीजिए, जिसको आना होगा वो आएंगे। साथ ही उन्होंने एक वीडियो के जरिए विपक्षी पार्टियों को लेकर कहा कि हम लोग मिलकर नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में भी नहीं गए। वहीं नीति आयोग को लेकर उन्होंने कहा कि नीति आयोग की बैठक में भी नहीं गए, क्योंकि नीति आयोग की बैठक में राज्यों के लिए कुछ नहीं होता है। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक कार्यक्रम के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज बड़ी बड़ी ताकत हमें समाप्त कर देना चाहती है, क्योंकि हम बिहार में बेहतर शिक्षा प्रदान करने, लोगों को रोजगार देने, किसान मजदूरों के हक की बात के साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा, बुजुर्गों के सम्मान व युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की बात करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद भी बिहार का विकास नहीं हो सका। आज बिहार से छात्र दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे शहरों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, लेकिन कभी इन प्रदेशों के छात्र शिक्षा के लिए बिहार नहीं आते हैं। आगे उन्होंने सीएम नीतीश को अपने निशाने पर लेते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ आईटी सेक्टर बने, उच्च शिक्षा की व्यवस्था हो, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था हो। वहीं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार का विकास तभी संभव है जब हम सत्ता बदल देंगे, और इसकी शुरुआत लोजपा पार्टी कर चुकी है। क्या कन्हैया की वजह से कुम्हार समाज के इस सम्मेलन में नहीं आए तेजस्वी। प्रजापति समाज की तरफ से राजधानी पटना में स्थित बापू सभागार में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में यहां बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ साथ महागठबंधन के सभी नेताओं को भी निमंत्रित किया गया था। इनके अलावा कांग्रेस के कन्हैया कुमार भी कार्यक्रम के लिए आमंत्रित थे, लेकिन इस कार्यक्रम में कन्हैया कुमार तो मौजूद दिखे, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे। राजनीतिक गलियारों में तेजस्वी के इस अनुपस्थिति को कन्हैया कुमार की मौजूदगी बताई जा रही। ऐसी चर्चा देखने को मिल रही है कि कन्हैया कुमार इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, इसलिए तेजस्वी यादव इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे। हालांकि जब मीडियाकर्मी ने बिहार सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता मुरारी गौतम से जब पूछा कि तेजस्वी यादव के इस कार्यक्रम में अनुपस्थित होने की वजह कन्हैया तो नहीं, तो इसके जवाब में कांग्रेस नेता ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, वे समय के अभाव में नहीं आ पाए हैं। वहीं जब कन्हैया और राजद नेता से यही सवाल किया गया तो दोनों ही सवाल का जवाब देने से बचते दिखाई दिए। सुशील कुमार मोदी ने विपक्षी एकता पर उठाए सवाल। विपक्षी एकजुटता की तैयारी को देखते हुए भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने इस विपक्षी एकजुटता को पूरी तरह से फ्लॉप बताते हुए कहा कि ममता बनर्जी और कांग्रेस विपक्षी एकता के जिस गुब्बारे को पिन मारकर पंक्चर किया, उसमें दूसरे नेता हवा भरने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। आगे उन्होंने विपक्षी एकता पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने कांग्रेस के एकमात्र विधायक बायरन विश्वास को टीएमसी में शामिल करवा लिया। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने टीएमसी को बीजेपी की बी टीम करार दिया है। ऐसे में क्या वह टीएमसी और कांग्रेस में एकता हो सकती है। क्या एनडीए के साथ गठबंधन करेंगे मुकेश सहनी। पूर्व मंत्री और वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के सरकारी बंगले को खाली करने के बाद कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसी खबर सुनने को मिल रही कि आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ गठबंधन करने का ऐलान कर सकते हैं। दरअसल इसके पीछे की वजह यह है कि जब बिहार में साल 2020 में एनडीए की सरकार बनी थी, इस सरकार में वे पशुपालन और मत्स्य मंत्री बने थे। मंत्री बनने के बाद उन्हें सरकारी बंगला आवंटित किया गया था, लेकिन बीजेपी के साथ मतभेद के बाद उन्होंने मंत्री पद को गंवा दिया। मंत्री पद गंवाने के बाद उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता भी खो दी। हालांकि नीतीश कुमार ने उन्हें सरकारी बंगला खाली करने को नहीं कहा था, बावजूद इसके वे सरकारी बंगले खाली कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से वाई प्लस श्रेणी की सिक्योरिटी भी दी गई। साथ ही यह खबर भी सामने आई कि मुकेश सहनी की बैठक बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ भी हुई है। तेजस्वी ने बीते 17 सालों के डबल इंजन सरकार को बताया फेल। बिहार में बीते 10 महीने से महागठबंधन की सरकार मौजूद है, लेकिन इससे पहले नीतीश कुमार बीते 17 सालों से बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अब बीजेपी और नीतीश के इस कार्यकाल को नीतीश कुमार की ही सहयोगी पार्टी आरजेडी ने विफल कर बता दिया। दरअसल पटना सिटी के एक अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पहुंचे उप मुख्यमंत्री ने उन्हें कहा कि हम लोगों की सरकार से पहले बिहार में 18 सालों तक डबल इंजन की सरकार थी, केंद्र में भी 10 सालों तक डबल इंजन की सरकार रही, लेकिन यह डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से विफल।
रही कोई काम जनता के हित में नहीं किया गया है। आगे उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में बीजेपी के कोटे में से मंत्री थे, उन्होंने क्या काम किया सब लोग जानते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या सभी क्षेत्रों में डबल इंजन की सरकार विफल रही है। राहुल गांधी के बयान को ओवैसी ने बताया अनुचित। अमेरिका के दौरे पर निकले राहुल गांधी वहां रह रहे भारतीय प्रवासियों को संबोधित कर रहे हैं। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा था कि मुसलमान, ईसाई, दलित और आदिवासी यह महसूस करते हैं कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों के साथ आज जो हो रहा है वो 1980 के दशक में दलितों के साथ होता था। राहुल गांधी के इस बयान पर अब ओवैसी का पलटवार सामने आया है। उन्होंने इस बयान को अनुचित बताते हुए कहा कि आपसे भारतीय मुसलमानों पर सवाल पूछा गया था, लेकिन आपने कहा कि 1980 के दशक में दलितों और सिखों के साथ भी एक ऐसी चीजें घटित हुई थी। उन्होंने कहा कि आपको बताना चाहिए था कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। आगे उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि राहुल गांधी को यह बताना चाहिए था कि राजस्थान में फरवरी में चुनैद और नासिर को कैसे मारा गया। छत्तीसगढ़ की बात करते हुए उन्होंने कहा कि आपकी सरकार में धर्म संसद को प्रायोजित किया, जहां महात्मा गांधी के साथ दुर्व्यवहार हुआ था। स्मृति ईरानी ने नीतीश और राहुल समेत सभी विपक्षी दलों पर साधा निशाना। भाजपा के विरुद्ध पटना में विपक्षी दलों की बैठक होने में अब महज कुछ दिन ही शेष रह गए हैं। इस बैठक को लेकर नीतीश कुमार कई विपक्षी दलों से मुलाकात कर इस बैठक में शामिल होने को लेकर निमंत्रण दे रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी मुलाकात की है। अब इसी को लेकर स्मृति ईरानी का बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार सोनिया गांधी को भ्रष्ट करते रहे हैं। क्या सत्ता की भूख इतनी दैवीय है कि राहुल गांधी उस आदमी को गले लगा लेंगे जो लगातार उनकी माँ को भ्रष्ट कहता है। आगे उन्होंने कहा कि जहाँ एक नीतीश बाबू की बात है, जिस व्यक्ति को अपने राजनीतिक पैरों पर खड़े होने के लिए मदद की जरूरत है, वह आज दूसरों को समर्थन रहा है। यह अपने आप में विरोधाभासी स्थिति है। वहां विपक्षी दलों द्वारा संसद उद्घाटन के बहिष्कार को लेकर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि विपक्षी दल कह रहे हैं कि वे संसद का बहिष्कार करते हैं, तो कृपया यह बता दें कि वे जनता का बहिष्कार कर रहे हैं, मोदी का नहीं, क्योंकि संसद जनता का घर है। संजय राउत ने अपने पार्टी की भाजपा से दूरी बनाने की बताई वजह। केंद्र में जल्द ही गठबंधन की सरकार बनने का दावा शिवसेना के सांसद संजय राउत द्वारा किया गया है। इससे पहले भी वे कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं। पहले वाले बयान में उन्होंने कहा था कि 2024 में गठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन इस बार उन्होंने अपने बयान में थोड़ा बदलाव करते हुए कहा कि 2024 के बाद केंद्र में गठबंधन की सरकार बनेगी। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने बीजेपी को मगरमच्छ और अजगर बताते हुए कहा था कि कोई भी उसके साथ होता है उसे वह निकल लेती है। यही कारण था कि उनकी पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने 2019 में भाजपा से दूरी बना ली। खुद को सीएम पद का दावेदार बताने वाले राजीव प्रताप रुड्डी ने सम्राट चौधरी को बताया स्मार्ट चौधरी। बीते दिनों सारण सांसद राजीव प्रताप रुड्डी ने खुद को बिहार में सीएम पद का दावेदार बताते हुए कहा था कि बीजेपी के किसी नेता में 2025 की लड़ाई का नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है, लेकिन अब उन्होंने अपने सुर बदलते हुए उन्होंने सम्राट चौधरी की जमकर तारीफ की है। दरअसल उन्होंने कहा है कि सम्राट चौधरी बतौर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शानदार काम कर रहे हैं, इसलिए इनका नाम सम्राट चौधरी नहीं स्मार्ट चौधरी होना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने सम्राट चौधरी की योग्यता को पहचाना और बिहार बीजेपी का नेतृत्व करने के लिए आगे किया। भाजपा से तकरार में राजद प्रवक्ता बने कवि। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी की एक कविता सामने आई है। अक्सर प्यार में कवि बनते तो हम में से कई लोगों ने सुना होगा, लेकिन राजद प्रवक्ता यहां भाजपा से तकरार में ही कवि बन बैठे। दरअसल मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर उन्होंने भाजपा सरकार के कई विफलताओं को गिनवाए हैं। राजद प्रवक्ता की कविता भाव को देखें तो उन्होंने मोदी सरकार की चर्चा करते हुए कहा कि बजरंग बली भी भाजपा से परेशान हो गए, इसलिए कर्नाटक में पार्टी का बुरा हाल हो गया। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा के नकली चाल चरित्र और चेहरे को पहचान गई है, इसलिए 2024 में केंद्र से भाजपा की विदाई हो जाएगी। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जासूसी के लगाए आरोप। अमेरिका पहुंचे राहुल गांधी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी जासूसी होती है और यहां तक कि मेरा फोन भी टैप किया जाता है। इतने कहते हैं उन्होंने अपने फोन को निकालते हुए कहा कि हेलो मिस्टर मोदी, मुझे लगता है कि मेरा आईफोन टैप किया गया हो। आपको एक राष्ट्र के रूप में और एक व्यक्ति के रूप में भी डेटा सूचना की गोपनीयता के संबंध में नियम बनाने की जरूरत है। अगर उन्होंने कहा कि यदि किसी देश की सरकार तय करती है कि वह आपका फोन टैप करना चाहती है तो इसे कोई रोक नहीं सकता है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे के पटना में विपक्षी बैठक में शामिल होने को लेकर खबर आई सामने। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने 12 जून को पटना में होने वाले विपक्षी एकता को लेकर बड़ी खबर दी है। दरअसल उन्होंने विपक्षी एकता की बात करते हुए कहा कि 12 जून को नीतीश कुमार ने सभी बड़े नेताओं को जो बीजेपी के साथ नहीं हैं और 2024 में परिवर्तन चाहते हैं, उन सभी देशभक्त पार्टियों को निमंत्रण दिया है। उसमें उद्धव ठाकरे और पवार साहब भी हैं। आगे उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हम पटना जाने के बारे में सोच रहे हैं। भाजपा नेता ने गिनवाए मोदी सरकार की उपलब्धियां।
केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी जगह जगह इस उपलब्धि पर महासंपर्क अभियान चला रही। इसी कड़ी में बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर मोदी सरकार के उपलब्धियों को गिनवा रहे हैं। अब इसी बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव भी जहानाबाद पहुंचे, जहां आने के बाद उन्होंने मोदी सरकार के 9 साल के सेवा में सुशासन गरीब कल्याण कार्यक्रम के तहत मीडिया संवाद को आयोजित कर केंद्र सरकार के कार्यों का ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ा है, दुनिया के लोग भारत की तरफ उम्मीद की नज़र से देखते हैं। अगर उन्होंने कहा कि 2014 से पहले का भारत और आज के भारत में बहुत अंतर है, भारत एक गरीब देश रहा है, इसलिए जब मोदी सरकार आई तो सबसे पहले गरीबों को ध्यान में रखकर अभियान शुरू किया गया। और वैसे इस वजह से नहीं देंगे केजरीवाल को समर्थन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर लाए गए अध्यादेश को लेकर विपक्षी पार्टियों से समर्थन जुटाने की कोशिश में लगे हैं। इसी कड़ी में वे कई पार्टियों के पास भी गए और जिनमें ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार आदि शामिल हैं। इन पार्टियों की तरफ से उन्हें समर्थन भी मिली। वहीं अब इस मामले पर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि वह इस मामले में केजरीवाल का समर्थन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वह इस मामले में अरविंद केजरीवाल का साथ नहीं देंगे, क्योंकि केजरीवाल ने अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर बीजेपी का साथ दिया और अब रो रहे हैं। साथ ही तंज कसते हुए उन्होंने यह भी कहा कि केजरीवाल वास्तविक हिंदुत्व को फॉलो करते हैं। फिलहाल आज के राजनीति जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन व्यूवर्स द्वारा हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया गया है उनके नाम है मंजय कुमार, लव बैठा, मोहम्मद सकीर हुसैन, कपिल देव, अंशुप्रिया, उमेश ऋषिदेव, जितेंद्र ठाकुर, बाबूलाल मरांडी, नायब रियाज। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, तेजस्वी यादव ने डबल इंजन की सरकार को फेल बताया है, इस पर आपकी क्या राय है? आप न जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।